ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर महानगर द्वारा अभावित कार्यालय चक्राता रोड सहारनपुर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अल महानगर मंत्री वंदन कौशिक ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट फॉर सेवा SFSIM के माध्यम से इस कोरोना काल अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य चल रहे हैं। इस कोरोना काल के दौरान कोविड टीकाकरण एवं महामारी के कारण सभी रक्त बैंकों में रक्त की कमी हो गई है, जिसके कारण हमारे देश में मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। इस विकराल समस्या को देखते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 42 यूनिट रक्तदान किया गया। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर द्वारा आज एक बहुत ही सराहनीय सेवा कार्य किया गया है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। जिन लोगों ने आज रक्तदान किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन सभी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद सदैव रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भविष्य में भी विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य लगातार सुचारू रूप से चलते रहेंगे और जहां पर भी आवश्यकता होगी हम जाकर के उस समस्या का सामना करेंगे। और विद्यार्थी परिषद द्वारा ये किया गया रक्तदान शिविर जरूर जरूरतमंद मरीजों के काम आएगा और बहुत लोगों को एक नवीन जीवन प्रदान करेगा। इस दौरान विभाग संयोजक वैभव शर्मा, विभाग प्रमुख डॉक्टर दिनकर मलिक, महानगर उपाध्यक्ष निधि राणा, जिला संयोजक आशु वालिया, मोहित पंडित, महानगर सहमंत्री अक्षय धीमान, स्पर्श हुरिया, अजय राम, हरिराम, हर्षित गुप्ता, सुमित जसूजा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर महानगर, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर महानगर के द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन विभाग कार्यालय सहारनपुर पर किया गया है। कि जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस कोरोना काल में जिले के समस्त ब्लड बैंक रक्त की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण रक्त की कमी से होने वाली मृत्यु का दर भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय स्तर पर यह संकल्प किया है कि टीकाकरण से पहले रक्तदान, और युवा पीढ़ी ही इस रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अभी रक्तदान शुरू हुआ है और लगभग 20 हमारे हो चुके हैं और अभी और आगे होने की लगातार चली रहा है। इतने एंटीजन सबमिट करवाई है हमने, वो भी लगभग सभी की, कुछ की हुई है कुछ की नहीं हुई। एंटीजन तो नाम मात्र है जी, वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आने में बहुत समय लग रहा है, एक एक तो कई बार तो दो दो हफ्ते लग रहे हैं, इस कारण वो नहीं हो पाया। इससे संक्रमण कोरोना का नहीं फैलता है, ये बिल्कुल मिथ्या है। बल्कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना कोई ठीक हुआ है और उसमें एंटीबॉडी डेवलप होगी तो वो रक्त प्लाज्मा के रूप में हम क्योर करने के लिए कोरोना को इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्त से संक्रमण कोरोना का नहीं फैलता।